नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार के बस स्टैंड पे, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो है बहुत सारी बसें खड़ी हैं। आप सभी को पता था कि लॉकडाउन के चलते जो है बस की सेवाएं बंद हो गई थी, कुछ बसें चला दी गई थी, लेकिन सवारी ना मिलने की वजह से कई बस जो है बंद भी कर दी गई थी। लेकिन अब आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर के आई हूँ। खुशखबरी ये है कि आप सभी के लिए पोंटा साहिब जाने के लिए बस की सेवा जो है शुरू हो चुकी है। जी हाँ, एक बड़ी खुशखबरी है, पोंटा साहिब जाने के लिए बस शुरू हो चुकी है। हिमाचल के अंदर बस जाती थी, लेकिन अगर यात्री नहीं मिलते हैं तो वो अब यमुनानगर तक ही जाएगी। बस का समय रखा गया है सुबह 5 बजे और आने का समय रखा गया है 12 बजे, यानी कि यहाँ से तो बस जाएगी 5 बजे और जो वापिस आने का समय है वो 12 बजे है। चलिए एक बार आपको अंदर DI के पास लेकर के चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आगे पोंटा साहिब के लिए कितनी बसें और चलने वाली हैं। मेरे साथ DI कुलदीप और DI रविंदर जी हैं, इनसे जान लेते हैं कि पोंटा साहिब के लिए कितनी बसें जो हैं इस वक्त चालू हैं। सर बताइए। पोंटा साहिब के लिए हमारे डिपो की तरफ से, इशार डिपो की तरफ से एक बस चालू है जी, जो सुबह 5 बजे यहाँ से रवानगी करती है और वहाँ से 12 बजे, 12:15 है जी, 12 बजे वापसी का टाइम है। सर, पोंटा साहिब के बारे में जानना चाहूँगी, सिखों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। वहाँ अपने सिख समाज का बहुत ही पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा साहब है वहाँ, जो है नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब सिखों का ही नहीं हिंदू भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उस स्थान की यात्रा करते हैं और पावन जो जल है वहाँ ग्रहण करते हैं। और इस तरह जो है नहीं हर सिख समाज को नहीं, बाकी हर धर्म के लोग वहाँ जो है नहीं मत्था टेकने के लिए जाते हैं। सर, 7 महीने बाद जो है बस सेवा शुरू हुई है, लॉकडाउन से पहले तक थी, अब लॉकडाउन के अंदर बंद हो गई थी, उसके बाद अब शुरू हुई है, तो कितनी सर्विस में है बस? अब तो सर्विस बसें टोटल जो डिपो की गाड़ी जाए वो तो 60% के करीब चल रही है जी, बाकी 40% तो अगले आदेशों तक बंद ही है। और अब जो है नहीं 60% के हिसाब से ये समझो कि 70 या 80 के बीच में गाड़ियां हमारी रूट पे चली हुई है। सर, आपसे जानना चाहूँगी सवारियों का किस तरीके का रह रहा है, सवारी कितनी जा रही है बस में? अब जैसे पोंटा साहब कल स्टार्ट करी है तो लोगों को पता भी नहीं है, उसी कारण कम सवारियाँ हैं। और कल स्टार्ट करिए उसमें 5 या 7 सवारी गई है, 5 या 7 सवारी है। तो और अगर पर सवारी का किराया देखें तो 300 के लगभग पड़ जाता है। तो जो रोडवेज है वो घाटे में चलने वाली है पोंटा साहिब बस चलाने की वजह से, या फिर क्या लगता है, उम्मीद है कि आगे जो सवारियां हैं वो बढ़ जाएंगी? अगर ये सवारी बढ़ती हैं, अगर 50 सवारी 40 सवारी यहाँ से मिलती हैं तो इस गाड़ी को रेगुलर चलाएंगे, अन्यथा अगर ऐसा ही रहा 10-15 सवारी अगर चली तो इसको दोबारा बंद करनी पड़ेगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो पोंटा साहिब के लिए बस चल रही है और जो पहले चलती थी उसके अंदर कितना अंतर है? इस वक्त जो यात्री हैं वो कम है, और जब पहले के समय की अगर बात करें तो यात्री कितने रहा करते थे? पहले तो जी ऐसा था कि लॉकडाउन से पहले यात्री पूरी, मतलब भरी बस चलती थी जाते वक्त भी और आते वक्त भी। अब लॉकडाउन की वजह से कुछ तो लोगों में दहशत है कि आपसी सोशल डिस्टेंस की वजह, मतलब मेंटेन ना होने के कारण लोग डरते भी हैं और सफ़र कम मतलब करना पसंद करते हैं। बाकी ये है कि हम 2 या 4 दिन 4 दिन या 5 दिन वाले, मान लिया 1 हफ्ता भी हम इसको देखते हैं कि अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, वरना इसको जो है नहीं हम यमुनानगर तक ही अप डाउन में ले लेंगे। यानी कि पहले हिमाचल तक जा रही थी, अब यमुनानगर तक ही चलेगी अगर यात्री नहीं मिलते? यात्री ना मिले तो जी आगे की, अगर यात्री ना मिले तो खाली गाड़ी अगर जाएगी तो वो डिपो को हानि पहुंचाएगी। इस तरह इसकी रिसीट कम से कम है, हमें 30 रुपये पर किलोमीटर चाहिए, अब ये देरी है 2 दिन से 11 रुपये, इस वजह से ये घाटे का ही सौदा है। अगर देखते हैं कंटिन्यू चलाने के लिए 5 या 7 दिन इसको देखते हैं, अगर इसमें सवारी बढ़ती है तो मैडम इसको हम कंटिन्यू जो है नहीं आगे के लिए चलाएंगे। सर, टाइमिंग क्या रहती है बस की? सुबह 5 बजे और वहाँ से 12 बजे
वहाँ से 12 बजे लौटने का समय है और यहाँ से 5 बजे जाने का समय, यानी कि एक ही बस अभी जा रही है। पोंटा साहब के लिए केवल एक ही जाती थी पहले भी, और अब भी एक ही चलेगी सार डिपो की, बाकी चंडीगढ़ की 2 महीने पहले चंडीगढ़ तो जाती नहीं थी, पंचकुला की 5 बजे थी, जिसको हमने बढ़ाकर जब से चंडीगढ़ खुला है 10 कर दिए। यहाँ से 10 बजे चंडीगढ़ के लिए हमारी जाती है सार डिपो की, बाकी और डिपो की वो अलग है। सर अगर और बस की बात करूँ तो क्या और बस जो है पहले घाटे के अंदर चल रही थी, अब जो है किराया सही वसूला जा रहा है और जो यात्री है वो भी सही ढंग से मेरे ख्याल से आ रहे हैं, तो जो रोडवेज है वो क्या अभी भी घाटे में चल रही है? नहीं, फिलहाल तो घाटे की तो हम कह नहीं सकते जी, अगर 60% या 70% जो गाड़ियाँ हमारी चल रही है वो करीबन हर गाड़ी के हिसाब से पर गाड़ी 30 रुपये पर किलोमीटर मिल ही जाते हैं हमें, इसको तो हम घाटे का सौदा नहीं कहेंगे। अगर पूरी गाड़ियाँ चलती है तो उसका तो बाद में देखा जाएगा कि कैसे कितना क्या होता है। बाकी फिर अब सर पूरे एक बस की अगर मैं बात करूँ किसी भी रूट की, तो उसके अंदर सवारियाँ जो हैं पूरी की पूरी 52 ही बैठा के लेके जाई जा रही है या फिर उससे ज़्यादा? नहीं, केवल 52 ही अलाउड है जी, बाकी कई जगह ऐसा हो जाता है कि कंडक्टर ड्राइवर इनकार नहीं कर सकते और पब्लिक थोड़ी ज़्यादा मतलब हैवी हो करके ज़्यादा धक्का मुक्की करके बढ़ भी जाते हैं तो कंडक्टर क्या करेगा उसमें। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि केवल 52 ही सवारी जो मतलब सरकार की हिदायतों के अनुसार ही बिठाई जाए। तो ये DI हमारे साथ मौजूद है, आप सभी ने सुना कि पोंटा साहिब के लिए जो है 7 महीने बाद बस चला दी गई है, सुबह 5 बजे चलती है और आने का समय 12 बजे का रहता है। अगर सवारियां आगे नहीं मिलती हैं तो शायद हो सकता है कि पोंटा साहिब की जो बस है वो सिर्फ यमुनानगर तक चलाई जाए बजाय कि हिमाचल के। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं आपको बस स्टैंड से जुड़ी हुई सारी अपडेट से रूबरू करवाती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ साक्षी सोनी के साथ, कैमरामैन मोहित छाकड़, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।